और वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य से जेएमडी न्यूज के संवाददाता अभिनव शुक्ला ने खास बातचीत की। इस दौरान बेबी रानी मौर्य ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह होने की बात भी कही। साथ इस वक्त है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जाटव जी, उनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ 2022 चुनाव को लेकर तैयारियां हैं मैम, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं 2022 के चुनाव को लेकर? अरे आप देख ही रहे हैं, आपको ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, इतने जोर शोर से लगे हुए हैं, इतना मतलब देखते ही बनता है जो जिस तरह के लोग यहाँ पर मोर्चे के अलावा हमारी मेन बॉडी भी है उसके भी सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो पार्टी की ये चुनाव की तैयारी है। पर मैम अखिलेश यादव विजय यात्रा पे निकले हुए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों को कुचला गया उसी तरीके से भाजपा संविधान को भी कुचलने का काम कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? अभी तो बताया भैया, तो ऐसा है जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी, उनको जेल भी भेज दिया गया है और संविधान की कोई अवहेलना नहीं हो रही है। अगर संविधान की अवहेलना हो रही होती तो मुझे क्यों गवर्नर बनाते, मैं तो ऐसी की हूँ, मैं तो चमार जाती की हूँ एक तरह से। तो ये वो कह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाओं का सबसे ज्यादा। ये थे हमारे साथ बेबी रानी मौर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 2022 का चुनाव है और जो भी अखिलेश यादव कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं वो उनकी पर्सनल है, उसके अलावा जो भी होगा अब आगे जो भी आरोपी होगा लखीमपुर कांड में उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो एनालिस्ट विक्रम के साथ अपना शुक्ला जेएमडी न्यूज कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।